योगी जी को वापस लाना चाहोगे या अखिलेश बाबू को वापस ला रहे हो? एक बार बताइए, योगी जी ने क्या किया आपके लिए? सिटी बस देख लीजिए, जो हम लोग बाईपास से 20 रुपए दे के आते थे, आज वो सिटी बस चलने से बस 5 रुपए हम लोग को लगता है यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। तो 5 रुपए में आप यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाते हैं। गोरखपुर में उन्होंने विकास किया है, तो ये विकास जब हुआ है तो कुछ लोगों को दिखाई क्यों नहीं दिया? तो जो चलाते थे उस डीजल महंगा हो गया, सीएनजी महंगा हो गया है, वो तो ये कह ही नहीं रहे हमारे भाई साहब। इतना रोजगार दीदी क्या कर दिए जब अखिलेश की सरकार थी, क्या किए? वो गुंडा तो हर सरकार में होती है, हर सरकार में होती है गुंडा। किस सरकार में बुलडोजर चला है? बुलडोजर बाबा है वो। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पर बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, वहाँ शिक्षा और राजनीति पढ़ाई जा रही है। लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, ये है, ये लड़की से लड़की लड़ेगी। नमस्कार, आज हम आ पहुंचे हैं गोरखपुर। गोरखपुर में जहां से राजनीति पढ़ाई और सिखाई और दिखाई जाती है, हम आ पहुंचे हैं दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में। और दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे जो यहां से निकलकर राजनीति में जाना चाहते हैं या रोजगार को ढूंढते हुए राजनीति के दरवाजे पर जाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम पूछेंगे, यहाँ की जनता से सवाल, यहाँ के लोगों से सवाल, यहाँ के विद्यार्थियों से सवाल कि क्या ये केंद्र जो देश के दुनिया के नक्शे पे एक अलग ही पहचान बना चुका है, गोरखपुर जो एक प्रदेश नहीं, एक अपने आप में एक देश, कई देशों से बड़ा प्रदेश, तो ये है गोरखपुर। गोरखपुर के लोगों से जानेंगे गोरखपुर का हाल, और इस बार किसकी बनेगी सरकार ये भी जानेंगे। क्या एक तरफा होगा वोट या होगा सफाया सपा का, या फिर योगी जी वापस आएंगे गोरखपुर, ये जानने की कोशिश करेंगे विद्यार्थियों से। चलिए आगे चलते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। तो लीजिए, हम आ पहुंचे हैं कुछ विद्यार्थियों के पास, और कुछ विद्यार्थियों में हमें कुछ और ऐसे भी विद्यार्थी मिले जो बी सर्टिफिकेट वाले हैं, एनसीसी बी सर्टिफिकेट, देश के युवा, देश के सेना की तैयारियाँ। और कुछ विद्यार्थी ऐसे जो यूनिवर्सिटी में यही पढ़ रहे हो भैया? नहीं, हमें यहाँ नहीं पढ़ते, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो? नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी से लगा एक विद्यालय उसमें पढ़ते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी से लगा एक विद्यालय है, उसमें पढ़ते हो आप? मैं सर तैयारी करता हूँ। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीपी की। यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं आप? हम सर डीडीयू से हैं। अच्छा जी। हाँ जी, इस्लामिया इंटर कॉलेज बक्सीपुर। इंटर कॉलेज बक्सीपुर इस्लामिया इंटर कॉलेज बक्सीपुर। बहुत बढ़िया सर, बक्सीपुर इस्लामिया, बक्सीपुर इस्लामिक। अच्छा यादव जी, अभिषेक यादव जी, अभिषेक यादव जी, यादव जी को वोट दोगे या फिर इस बारी योगी जी को वापस लाओगे? नहीं, यादव जी को ही देंगे। अच्छा, जातिवाद करोगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, उनको मतलब जातिवाद से कोई मतलब नहीं है हमको। हमको बस विकास किसने किया है? विकास तो किए हैं ये, लेकिन रोजगार नहीं दिए हैं हम लोग को। रोजगार नहीं दिए हैं? वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, आर्मी की वैकेंसी निकाल रहे हैं। अच्छा, आप? हाँ सर, ठीक है। और मतलब ये है कि काम किए हैं। तो किसके पक्ष में हो आप? सर हम तो अभी वोटर हैं नहीं। अच्छा, चलिए वोटर बनने वाले हैं, और ये विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों से पूछेंगे कि योगी जी को वापस लाना चाहोगे या अखिलेश बाबू को वापस ला रहे हो? किसको ला रहे हो? योगी जी को वापस ला रहे हैं। अब की बार बम्पर सीटों से फिर से योगी जी। एक बार बताइए, योगी जी ने क्या किया आपके लिए? योगी जी ने इस शहर के लिए बहुत कुछ किया। क्या क्या नहीं किए हैं? ये रोड देख लीजिए, गोरखनाथ मंदिर देख लीजिए, सिटी बस देख लीजिए, जो हम लोग बाईपास से 20 रुपए दे के आते थे, आज वो सिटी बस चलने से बस 5 रुपए हम लोग को लगता है यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो 5 रुपए में आप यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं। गोरखपुर में उन्होंने विकास किया है, तो ये विकास जब हुआ है तो कुछ लोगों को दिखाई क्यों नहीं दिया? ये विकास एक तरफा कैसा हो रहा है कि एक को दिखाई दे रहा है, दूसरे को नहीं दिखाई दे रहा है? और अभिषेक को नहीं दिखाई दिया? अभिषेक को विकास नहीं दिखाई दिया? हाँ बोलो बेटा। सर कितने लोग का रोजगार छीन लिया योगी बाबा, जैसे कि ऑटो जो चलाते थे उस डीजल महंगा हो गया, सीएनजी महंगा हो गया है, वो तो ये कह ही नहीं रहे हमारे भाई साहब, कह रहे इलेक्ट्रिक बस। हाँ भैया, यहाँ पर ऑटो का देखिए, ऑटो वाले कितने हो गए हैं, गरीब हो गए हैं। जितने भी रोजगार वाली बात नहीं, ऑटो वाले कौन रोजगार, अखिलेश कितना रोजगार दे दी, क्या कर दिए जब अखिलेश की सरकार थी, क्या किए? कोई उनकी अच्छाई गिना दीजिए, क्या किए? यो अच्छा, शहर में हो जाते हो नौका विहार पे, लोग जाकर डेली फोटो क्लिक। नौका विहार पे सब पढ़ते हैं, नौका विहार पे पढ़ते हैं। पढ़ाई क्या अच्छा पढ़ाई पे आगे, ठीक है शिक्षा। अच्छा अच्छा, मैं तुम दोनों को एक बार सर एक सेकंड, शिक्षा की बात ये लोग कर रहे थे 5 साल पहले,
पांच साल पहले यही जब बोर्ड एग्जाम होता था 10th या 12th का, तो क्या होता था, नकल से पास हुए। और आज के समय में पांच साल बाद जब हम लोग बोर्ड के एग्जाम दिए थे, क्या आप देखे थे क्या नकल हो रहा है? हम देखे थे, हम जान रहे क्या देखे थे, तब बता रहे हैं, देखे थे तब बता रहे हैं। इन्होंने कहा पांच साल पहले नकल करके लोग पास होते थे, ठीक है, आज योग्यता पे आगे बात हो रही है, योग्यता के ऊपर बात होगी। जो जो ये लोग एम्स एम्स उठा रहे हैं, एम्स में कितना इफेक्ट हुआ है, ब्लॉक कितने हैं एम्स में ब्लॉक? चलिए चलिए, मैं पहले पहले आप लोग बहुत ही बढ़िया। हाँ अभिषेक, अभिषेक भी कुछ कहना चाह रहा है, बताइए अभिषेक। हम कह रहे हैं यही कि मतलब विकास तो किए हैं बाबा जी, बस यही नहीं, हम लोग को रोजगार नहीं मिला है, बस यही कहना है। एक चीज मैं बताऊं, यहां बहुत बढ़िया खूबी मुझे देखने को मिली है, दोनों ने वर्दी पहनी है, एक ने अभिषेक और एक ने मुकेश, मुकेश प्रजापति, मुकेश प्रजापति जो है बाबा को वापस लाना चाह रहे हैं, आपके मित्र। और दोनों देखो, दोनों बिल्कुल यारी दोस्ती बराबर, एक बाबा के पक्ष में तो एक अखिलेश के पक्ष में, यस सर, है ना, पर दोस्ती पक्की है, है ना, तो ऐसी दोस्ती राजनेताओं की भी तो दिखती है। यस सर, राजनीति की वजह से आप दोस्ती तो नहीं खराब करेंगे ना? बहुत बढ़िया, दोस्ती खराब होनी भी नहीं चाहिए, और दोनों अपने अपने मुद्दों पे रहो, और दोनों के दोनों विकास, ताकि सरकार को खींचा जा सके ना, कि भैया मेरा मेरा भी अधिकार है और मेरा भी अधिकार है। तो आप बहुत बढ़िया बोले थे, और आप कुछ बोलना चाह रहे हो बताएं। हम क्या बोलेंगे, हम खुद सपा की तरफ हैं। अच्छा, सपा की तरफ तो बहुत बढ़िया है, सपा वाले तो बोलते नहीं है क्या? सपा वाले नहीं बोलते हैं? बोलते तो हैं। 10 तारीख को देख लेंगे क्या होगा, 10 तारीख को सर देख। अच्छा, ये बोल रहे हैं 10 तारीख को देख लेंगे क्या होगा, ये बाबा बाबा यहाँ चाय बना रहे हैं, चाय की दुकान आपकी है बाबा, तो बहुत बढ़िया। किस तरह का माहौल दिख रहा है आपको, बताए 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 किस तरह? ठीक ठीक है, दिखाई दे रहा है, किसका माहौल दिख रहा है? अब इसमें सबका माहौल तो अच्छा ही है, बगैर बाबा का ज्यादा है। अब बाबा का माहौल ज्यादा दिख रहा है, तो चाय बिक रही है? चाय वही व्यापार में कुछ फर्क पड़ा है? अरे फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, बहुत ही पड़ा, बहुत पड़ा है, बहुत ही पड़ा, नहीं भी पड़ा। अच्छा चलिए बिटिया, आपसे पूछना चाहूंगा, आप बहुत दूर खड़ी है, जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी, लड़कियों का आना बहुत जरूरी है, लड़कियों का आना जरूरी है, नहीं लड़कियों के पास हमें जाना पड़ेगा। आइए, सुरक्षा के बारे में आप बताएं। हाँ जी, हाँ जी, आइए आइए बेटी, आप बताएं, हमारे देश की बेटी, बेटी पढ़ानी है, बेटी बचानी है, तो लगता है सुरक्षा मिली है? बेटी बचानी है, जोर से बोलिए, बेटी बचानी है, बेटी बचानी है, बेटी पढ़ानी है, पढ़ानी पढ़ पा रहे हो अच्छे से? हाँ, इस टाइम तो मतलब क्लास वगैरह नहीं चल रहा है। क्लास नहीं चल रहा है, कोई नहीं, और जोर से बोलिए ना, अपनी आवाज को क्यों दबा रही हो, जोर से बोलिए, घबराते क्यों हो? उतारो मास्क, चलिए तब तक आप तैयारी कीजिए, मैं उनके पास। हाँ भाई साहब। हाँ बताइए। हाँ, किसका माहौल बन रहा है? सब योगीमय है, पूरा शहर योगी के पक्ष में है, पूरा शहर, पूरा शहर योगीमय हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या करा योगी जी ने? ये विद्यार्थी तो बड़े नाराज है। विद्यार्थी नाराज नहीं है, विद्यार्थी कोरोना को लेकर के जो उनका क्लास नहीं चला उससे उनको कष्ट है, लेकिन कोरोना एक राष्ट्रीय समस्या है, उसमें योगी जी का कोई रोल नहीं है, और जो ऑनलाइन क्लासेज चले हैं उससे बच्चों की शिक्षा पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा है, फिर आगे जब माहौल अनुकूल होगा तो फिर क्लासेज चलेंगे। अच्छा, आप करते क्या हैं? आप क्या करते हैं? हम टीचर हैं। टीचर हैं, तो ये विद्यार्थी जो बाहर घूम रहे हैं, इनका कहना है कि हमारी ना पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है, ना इनको नौकरियों का कोई आश्वासन है, तो किस तरह की आप शिक्षा इनको दे पाएंगे कि भैया नौकरी ही सब कुछ जरूरी नहीं है, नौकरी देने वाले बनिए? नौकरी के साथ साथ सरकार की प्राथमिकता कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण दे करके नौजवानों को रोजगार परक शिक्षा दी जा रही है, और सरकार, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं रोजगारों के लिए तमाम विकास उन्मुख है, योजनाएं लोगों तक पहुंचे। हाँ जी, भाई पूरा प्रदेश योगीमय है, और भारी बहुमत से योगी की सरकार बन। सरकार में हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो? नहीं, मैं किसी सरकार में नहीं हूँ, मैं तो आम नागरिक हूँ। अच्छा, आम नागरिक हो, यही हम ढूंढ रहे हैं, आम नागरिक। जी जी। इनका डर हो सकता है क्योंकि सरकारी आदमी है ना? नहीं नहीं, इसमें डरने क्या बात है, यहाँ तो सब लोग आम पब्लिक की तरह है, जो बात कर रहे हैं, चुनाव का समय है, जैसा देख रहे हैं वैसा बोल रहे हैं। अच्छा, तो योगी जी का माहौल है, और गोरखपुर में तो कहना ही नहीं है, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ योगी को अगर वोट नहीं देता। अच्छा, प्रधानमंत्री ने कहा था पकोड़ा तलना भी एक रोजगार है, और हम पकोड़े की दुकान पे हैं। बहुत बड़ा रोजगार है, बहुत बड़ा रोजगार है, कोई पूंजी नहीं, जो सुबह लगाइए शाम तक लेकर के जाइए। अच्छा, बिल्कुल हार्ड कैश रोजगार, 80% प्रॉफिट वाला रोजगार है। अच्छा,
तो इससे बढ़िया रोजगार क्या हो सकता है। अंधभक्त अंधभक्त नहीं, अंधभक्त नहीं हूँ मैं, जो एक्चुअल है उसको मैं बता रहा हूँ, असलियत है। अब योगी जैसा मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा आपको बताइए, सारे अपराधी या तो देखिए योगी योगी राज में रबड़ी खा सकते हो आप, देखिए योगी राज में ही रबड़ी मिलेगी भैया। सर उतना कुछ काम नहीं किया योगी जी ने, और खासकर एजुकेशन फील्ड में। अच्छा, जॉब्स मिल नहीं रही है, ऊपर से यहाँ के जो स्कूल है रबड़ी मिल रही है, बोल रहे काम नहीं किया। काम किए हैं लेकिन एजुकेशन में मतलब जितने भी रोजगार है वो नहीं मिल रहा है ना इस गवर्नमेंट में, और उसके बाद से अखिलेश यादव कितना रोजगार दे दिए थे 5 साल में और योगी जी कितना नहीं दिए, अखिलेश यादव क्या विकास कर दिए तो योगी जी क्या विकास नहीं किया हमको बता दें, हम योगी जी का विकास अभी गिना देते, शहर में गिरा देंगे, प्रदेश में गिरा देंगे। मतलब वो गुंडा तो हर 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 सरकार में होती है, हर सरकार में होती है गुंडा। इस सरकार में यही हुआ है कि लोग आके थाने में माफी मांगे हैं कि हमको क्षमा कर, इस सरकार नहीं 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 बुलडोजर चल रहा है, जो गलत करेगा उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा इस सरकार में। इनका कहना है कि इस सरकार में बुलडोजर चला है, बुलडोजर बाबा है, वो बुलडोजर बाबा है, बुलडोजर चला दिए है ना, तो हाँ चला और किसके ऊपर ये चलिए चलिए किसी गुंडे का नाम बताइए किसके ऊपर। अंसारी कहाँ के हैं, यही उत्तर प्रदेश के हैं। चलिए अच्छा अच्छा एक बात बताएं, क्या नाम है बेटा आपका? अभय यादव। अब एक बात बताएं अभय यादव, मतलब मैं किसी के हमारा काम है निष्पक्ष बात करना, तो यादव होने की वजह से ही तुम उनको वोट उनकी तरफ हो? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात कुछ नहीं है। अच्छा मतलब काम पे वोट दे रहे हो उनको? काम पे, अखिलेश बाबू ने काम किया है, काम किया तभी ना कह रहे हैं। अच्छा तो पहले क्या हाल था यहाँ पर? पहले ग्रामीण कहीं से बात करी योगी बाबू, ग्रामीण में किससे बात करें? पहले सब्सिडी दिए, उसके बाद पैसा सब्सिडी अब दे ही नहीं रहे हैं, पहले लालच दिए उसके बाद हट गए पीछे। तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? और बड़े तो तुम हो गए हो, दाढ़ी मूछ सब आ गई है, पर और क्या? हमको आर्मी में जाना, बस आर्मी में जाना है। तो आर्मी में जरूरत पड़ेगी सिफारिश की? सिफारिश की योगी बाबा रहेंगे तो योग्य लगेगा, आपके योग्य आपकी योग्यता पे मिलेगी ना, ये वर्दी पहने योग्यता पे है ना, रहेंगे तब तक नौकरी आएगी नहीं, जब तक बाबा रहेंगे तब तक एक को आ जाएंगे तो सब अखिलेश आ जाएंगे तो घर घर सबको नौकरी दे देंगे ना, ये लोग यही जा रहे हैं। आपके घर की इनकम कितनी? मैं पकड़ रहा हूँ माइक, इनकम कितनी है घर की? अरे इनकम मेरी अच्छी खासी इनकम है। अच्छी तभी बोल रहा है, अब जाके अभी किसी गरीब से पूछिए उसके घर में जब शिक्षा नहीं है, यही एक सोर्स है, दौड़े फिजिकल निकाले पेपर दिए भर्ती हो गए। अच्छा आपको शिक्षा अच्छी मिलेगी तो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पर बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, वहाँ शिक्षा हो रहा है कि राजनीति पढ़ाई जा रही है? वहाँ पढ़ाई नहीं होता है, बस अब तुम लोग को ये सिखाया जाता है कि तुम लोग योगी को वोट दो मोदी को वोट दो, पढ़ाई नहीं किया जाता, टीचर पढ़ाते नहीं है, वो स्कूल है कि धर्मशाला है कि वहाँ पर झंडा लड़क रहा है? धर्मशाला की बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, कहा नहीं झंडा कहीं झंडा, तो ये लड़का जो है सही सपोर्टर और बात भी सही कर रहा है, ये इसमें कोई दोहराई नहीं है, डिबेट इसकी बहुत बढ़िया है, पर योग यादव यादव जिंदाबाद है, यादव यादव बिरादरी वाली बात नहीं है सर। गोरखपुर में तो भाई जितना योगी जी विकास किए, ग्रामीण की बात करिए, ग्रामीण में तरकुरानी रेगुलेटर बना है, रबड़ी मत खाओ। उधर मतलब जितने भी थे हमारे विधायक थे राधेश्याम सिंह जी, जो भी विकास किए थे ग्रामीण, मतलब जहाँ रोड नहीं था वहाँ पे रोड बनवाया है, वहीं पे पवन केडिया जी थे विधायक, उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब 5 साल तक रहे हैं अभी, उनको इस बार टिकट भी नहीं मिला, टिकट मिला मोहन वर्मा को वहाँ से बीजेपी की तरफ से। मोहन वर्मा कैसे ठीक नहीं है? मोहन वर्मा ठीक है, वो मतलब हाटा में है, चेयरमैन है, तो वहाँ के मतलब विकास करते हैं, हाटा के बाहर से निकलने पे जितने भी आते हैं सब उधर के एरिया में विकास नहीं है अभी। अच्छा आइए आइए आप भी कुछ बोलिए, बच्चे नौजवान काफी नाराज दोनों पक्ष से। आप जी जी ये विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिलेगा और प्रियंका गांधी मालिक होगी। अरे वाह, जिसकी चाहेगी उसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार। मैं पूरा उत्तर प्रदेश घूमा, पहले आदमी मिले हो आप। अच्छे क्यों हो सकता है, आपका अपना अपना नजरिया है मीडिया का, नहीं ये जरूरी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है लड़ रही है, अब आने वाले चुनाव में वही आएगी ये जान लीजिए। बहुमत किसी को, जिसको प्रियंका गांधी चाहेगी उसी की सरकार बनेगी, चाबी उसी के पास रहेगी, अखिलेश ये जान लीजिए।
जिंदाबाद। देखो हाँ जी, अखिलेश यादव के गुटके भी आ गए हैं, साइकिल साइकिल से जी जी। हाँ जी, क्या है जी? बहुत बढ़िया है सपा का माहौल। सपा का अभी तो सरकार बीजेपी की है यहाँ। बिल्कुल बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार सपा की सरकार आएगी। अच्छा। सभी नौजवानों की यही ख्वाहिश है कि समाजवादी सरकार आनी चाहिए। क्या कितने पढ़े लिखे हो आप? जी, हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा है। अच्छा। विश्वविद्यालय से। अच्छा। हम सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं। अच्छा। विश्वविद्यालय से ही। हाँ। पिछले 2.5-3 सालों से एनसीसी हम लोग किए हुए हैं। हम लोग की आर्मी की भर्ती नहीं आ रही है। चलो एक मिनट आगे आओ जरा। हाँ जी, एनसीसी वालों जरा इधर आओ, आगे इधर है भाई, इधर है अमित। नौकरी नहीं मिल रही जी, हम बता रहे हैं। अब ये वर्दी में नहीं है यार, ये वर्दी में जी। सलाम करके दिखाइए जरा, क्या सिखाया आपको ये? सलाम करके दिखाइए। एनसीसी की यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, आप लोग हमेशा यूनिटी और डिसिप्लिन बनाए रखिए, हमेशा एक मोटो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारतीय सेना के लिए तैयारी करते हैं। और सबसे अच्छी बात है, आप लोग तैयारी करते हैं, भारतीय सेना की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है एनसीसी सीट। अच्छा, एक बार बताइए, हम लोग जब एनसीसी में थे, कई बार समोसे वमोसे के चक्कर में भी हम लोग लाइन में खड़े हो जाते थे कि समोसा मिलेगा इधर, तो समोसे के चक्कर में तो नहीं हो आप? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम बस नौकरी के लिए हैं। नौकरी के लिए हैं, तो मैंने वही पूछा आपसे सवाल कि ये आपके सी सर्टिफिकेट होल्डर बिना वर्दी के आपके सामने खड़े हैं, तो आपको सलाम करना तो सिखाया होगा, कैसे करेंगे? जय सर। कैसे कर दोगे ऐसे? जय हिंद कैसे कर दो? वर्दी में तो है नहीं, सलाम तो वर्दी को है, फिर कैसे कर दिया सर? बिल्कुल आप सही है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल राइट है, यही है शिक्षा। थोड़ा सा समोसे खाने मत जाइए एनसीसी में। जूनियर कैडेट है, अभी सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे, अच्छा करेंगे। हम कहेंगे सबसे बड़ा है राष्ट्र प्रेम होना चाहिए दिल में, बस। ये तुम्हारा सपोर्टर स्कूल में, देखो अखिलेश यादव जिंदाबाद। देखो अखिलेश यादव जिंदाबाद। अभिषेक सीखना है, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो इधर हो या उधर, सीखना है, जिस राह पे जा रहे हो उधर सीखना है, ठीक है ना? अगर मैं 25 साल में मैं नहीं भूला हूँ तो तुम्हें भी नहीं भूलना है, ठीक है? मैं सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, ठीक है? तो चलिए, ये हमारे साथ नौजवान थे, कुछ और कुछ बोलना चाहते हैं कोई नौजवान? हाँ, दो बातें और बोलिए जी, आप बिल्कुल लाभ के लिए बताएं जी। सर, अभी देखिए इस समय जो माहौल चल रहा है, बिल्कुल सपा का माहौल चल रहा है इस समय गोरखपुर के अंतर्गत। लहर है, लहर बोल रहे? अच्छा, बिल्कुल लहर है, है? और ये लहर इसलिए है कि बीते 5 वर्षों ने जो बीजेपी ने किया है युवाओं के साथ, उसी का ये देन है कि ये लहर चली पड़ी है, क्योंकि बेरोजगारी सबसे चरम पर है। आपने देखा कोरोना काल में कोई भी सामने नहीं आया है, सभी। अच्छा, महिलाएं क्यों नहीं है आपके पक्ष में? महिलाएं इसलिए पक्ष में नहीं है क्योंकि उनको पता नहीं है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश, डरती हैं कि महिलाएं डरती हैं आपकी सरकार आने से। सर, इसी चीज को हम लोग उनको बताना है, महिलाएं डरती, महिलाओं को इस, बहनों को इस, इधर आना बेटा, बेटा इधर आना, सिस्टर 2 मिनट खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जिंदाबाद। देखिए, आइए आइए आइए, आपसे पूछना है, आपसे, आप बहुत जरूरी हो, आप इस देश का हिस्सा हो भैया, तुम्हारे से ही है सब कुछ। आइए, हाँ बताइए, क्या है माहौल आपका? पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? आराम से? योगी सरकार में सुरक्षित मानती हो? हाँ मानते हैं, सुरक्षित मानते हो? तो किसकी सरकार आनी चाहिए? ये तो अब सब लोग करेंगे, अब योगी की ही सरकार आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या बुराई है? बुराई तो किसी में नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सही है। हाँ। तो आपको क्या फर्क नजर आया पिछले 5 सालों में, इस 5 सालों में क्या फर्क नजर आया? अब तो आप वोटर बन गई होंगी ना? हाँ। वोट दिया है, दोगे? कौन सी क्लास में हो? बीए थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर, बीए थर्ड ईयर में है, अब वोट दोगे? अपने अधिकारों को पता है ना किस तरह का अधिकार है हमारा? हाँ, मुझे तो है। लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ, ये है, ये लड़की से लड़की लड़ेगी, बिल्कुल लड़ेगी। तो ये नारा तो कांग्रेस का है, लड़ेगी लड़की लड़ेगी, कोई नारा किसी का ये नहीं है पर्टिकुलरली कि कांग्रेस का है। बहनों से कुछ डायरेक्ट 1-to-1 की है। देखो, सबसे बड़ी बात महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 इन लोगों के लिए अखिलेश यादव ने अपनी गवर्नमेंट में शुरू किया था, इस चीज को आप लोग समझिए। और देखिए इस बार समझिए, आप ये बताइए, जब आप यूनिवर्सिटी के आसपास घूमते हैं तो ये आप सुरक्षित फील करती हैं यहाँ पर? हाँ मैं करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं।
चलिए, तो ये किसकी सरकार में सुरक्षित फील करा आपने? योगी की सरकार। योगी की सरकार में पहले होता था कभी ऐसा? नहीं, छोटे थे तब होता था ऐसा, लेकिन मुझे यहाँ कॉलेज में आके कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। भैया चश्मे से बाहर को झांक रहे हैं, पता है? झांक नहीं रहे, बहन मास्क लगाई हुई है और आवाज उनकी क्लियर नहीं आ रही थी, इस नाते उनकी आवाजों को सुन रहा था। पहले तो धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और किसकी सरकार आ रही है? युवाओं की सरकार आ रही है। युवाओं की सरकार आ रही है, बहुत बढ़िया जवाब। किसानों की सरकार आ रही है, मजदूरों की सरकार आ रही है, बहन बेटियों की सरकार आ रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। जिंदाबाद। हाँ जी, चलिए, ये नारेबाजी जब करते हो ना आप लोग, तो 5 साल पूछते फिर आपको लोग? नहीं 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 पूछते, ये मैं इनको मना कर रहा हूँ कि ये कोई पूछने और वो करने के लिए नारे नहीं करते हैं। ये युवा हैं, इनके मन में जगह है और इनके मन में सम्मान है, इस नाते ये करते हैं। इनको उम्मीद है और इनको पता है कि इनकी उम्मीदों पर। अच्छा, जब ये करते हो आप, प्रचार करने निकलते हो, तो अपनी जेब से पेट्रोल भराते हो या पार्टी से मिलता है? जी, अभी तो पहला इस बार पड़ा है हम लोगों के ऊपर। हम लोग कभी भी किसी से नहीं, विचारधारा से प्रभावित है राष्ट्रीय। पैसे कहाँ से लाते हो? पैसे अभी हम विश्वविद्यालय में आए हुए थे, विश्वविद्यालय में काम था, हम वैसे ही आए थे हैं, और रेगुलर हम लोग नहीं आते हैं, ठीक है? हम लोग बताएं। आपने कहा कि कैसे देते हैं? कैसे मतलब कि आप इतना प्रचार कर रहे हो, जगह जगह जा रहे हो, मोटरसाइकिल से अभी उतरे हो आप, तो ये मोटरसाइकिल में तेल कहाँ से आ रहा है? ये मेरा सौभाग्य, ये मेरे पिताजी के द्वारा आ रहा है। पार्टी की तरफ से कुछ नहीं मिलता है? हमें पार्टी की तरफ से तो जो मिला है वो कोई किसी ने नहीं दिया है। नहीं दिया है जो मिला है वो? तो पिताजी के पैसे को तुम ऐसे बर्बाद कर दोगे? बर्बाद कहाँ कर रहे हैं, हम तो युवाओं को जगाने में लगे हैं, समाज को जगाने। पिताजी को पता है कि तुम ये तेल कहाँ के लिए? घर को पता है, और पिताजी को तो अब गर्व होता है। अच्छा, पिताजी को गर्व होता है कि मेरा बेटा निकला हुआ है समाज में, और समाज और इस देश को बचाने के लिए निकला हुआ है, इस नाते वो देते हैं। अच्छा, पिताजी को फोन लगाओ। अरे सर, एकदम पिताजी को फोन लगाओ, कहाँ गया पेट्रोल? हाँ भैया, समाजवादी पार्टी साथ खड़े हो? जीत रही है समाजवादी पार्टी, 350 जाएगी इस बार, और बाबा जी अपनी सीट हार रहे हैं। अब ये पिताजी को फोन लगाओ ना। बाबा जी अपनी सीट हार रहे हैं, और गोरखपुर में 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करने जा रही है। तुम घर से 10 तारीख के बाद आएंगे, यही विश्वविद्यालय में काउंटिंग होगा, और आके देख लेंगे कि समाजवादी पार्टी यहाँ जीत रही है कि कौन जीत रहा है। अच्छी बात है, कोई भी 9 विधानसभा सीटों से समाजवादी पार्टी 9 में से हमको तो उम्मीद है कि एक भी नहीं जीतेगी यहाँ समाजवादी, सब भाजपा जीतेगा। 9 की 9। बाबा जी तो इतने बंपर वोट जीतेंगे। बाबा जी अपनी सीट बचा ले। आप लोग देखिए, बंपर वोट तो जीत, बाबा जी को सीट बचाने की जरूरत नहीं है। बाबा जी पहले अपनी सीट बचा ले, क्यों आप बोलिए, बात करिए, बोलिए। आखिर बेटा किसके नाम पे पेट्रोल भरा रहा है? बाबा, आपका बेटा किसके नाम पे पेट्रोल भरा रहा है? यूनिवर्सिटी जाने के नाम पे या अखिलेश की सरकार लाने के नाम पे? अरे लड़का है तो उसकी व्यवस्था हम ही करने हैं बाबू। हाँ तो व्यवस्था वो लड़का बोल रहा है, पापा से पूछ के गया हूँ मैं, पापा से पूछ के गया हूँ कि अखिलेश के प्रचार में जा रहा हूँ, तेल के पैसे दे दो। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। आए थे 35 रुपए पेट्रोल देंगे, और उसको 3 गुना बढ़ा दिया, 120 रुपया उसको 3 गुना बढ़ा दिया। गरीबों को हवाई चप्पल पहनने वालों को, चलिए चलिए चलिए, हेलीकॉप्टर घुमाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चप्पल नहीं, उन सरकार कोरोना काल में खाना नहीं मिल पाया। अच्छा सरकार की, एक मिनट, सरकार किसी की भी आई, दल से बड़ा क्या है? झंडा, देश। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप ठीक है, आपने कहा दल से बड़ा झंडा है, सॉरी झंडे से बड़ा देश है, ये भी मैं एकदम सहमत हूँ। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ जो कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, निजीकरण में आज यूक्रेन में फंसे बच्चे, बताएं जो 25,000 रुपया किराया था, 60,000 रुपया, 60,000 रुपया था, एयर इंडिया ले रहा है। अब आप बताइए, आप बताइए। चलिए, अब मेरा कहने का मतलब, ये कहने का मकसद, पार्टियां आती जाती रहेंगी, देश बचना चाहिए, देश बचना चाहिए, देश को
देश के लिए देश खतरे में कहाँ है, तो देश कल चले जाएंगे झोला लेकर। देश को सोने की चिड़िया फिर से बना देंगे इन लोगों को लग रहा है। 10 तारीख को सबको पता चल जाएगा किसके में दम है। पूरे गुंडे को यहाँ लेके हाँ योगी मुलायम सिंह आदमी अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। अच्छा चलिए जो आज उन गुंडे को योगी जी हटा रहे, बुलडोजर चल रहा है उनके ऊपर। योगी आदित्यनाथ जी यार का इनामी बदमाश घूमता है। योगी आदित्यनाथ जी खुद गुंडे हैं, अपना मुकदमा वापस लेते हैं सरकार। कोई मुकदमा योगी जी वापस क्यों? योगी को चाह रहे गुंडे हैं, सबसे बड़े गुंडे हैं योगी आदित्यनाथ जी। इतने इत्र वाले मित्र के यहाँ पैसा नहीं रखते। वो बताओ, वो बताओ कौन था और कौन था अखिलेश यादव को पैसा बताओ। वही तो मैं चाह रहा हूँ, बताओ। अखिलेश यादव फोटो ट्वीट किए थे। यही 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 मुद्दे मुद्दों के ऊपर आना है, रोजगार के ऊपर है। चल अच्छा चल जब इत्र वाले मित्र के यहाँ पैसा मिला, तुम मेरे पे क्यों चल रहे हो? जब इत्र वाले मित्र के यहाँ पैसा मिला तो अखिलेश यादव नहीं पकड़ रहे हो ये बात। चलिए चलिए क्यों दिक्कत हुआ? अच्छा चलिए अब मैं इस प्रोग्राम को खत्म करने जा रहा हूँ। फिर से हम एक ही मंच पे वापस आएंगे, वो है हमारा भारत देश। भारत देश में वापस आना है, देश बचाना है। बार 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 देश के लिए कह रहे हैं। मैं बता दूं, जब देश की बात आएगी तो 135 करोड़ भारतवासी उस देश को बचाने के लिए खड़ा हो जाएगा। आप निश्चिंत रहे, उस समय भी आप अपने कैमरा और वही तो मैं जानना चाहूंगा। अखिलेश यादव आएगा तो आगे बेच के खा जाएगा तो क्या बचाएगी। ये थे हमारे साथ युवा, ये थे हमारे साथ युवा जिन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने बेबाकी से सारी बातों को रखा और बिल्कुल अपने 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 पक्ष में। और यही यही हम अपेक्षा करते हैं सभी से कि अपने मुद्दों पर लड़िए, अपने मुद्दों पर वोट दीजिए। किसी के पक्ष में विपक्ष में वोट देने से नहीं होगा। आपको वही सब कर देखना होगा कि किसने कितना विकास किया, किसने कितना विकास किया, क्या विकास की परिभाषा है और क्या विकास होने को है और क्या बाकी है। तो यही है आज का प्रोग्राम। गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाहर से हम लोग थे, कवर कर रहे थे और बहुत ही उम्दा तरीके से लोगों ने यहाँ पर जवाब दिए और हम अपेक्षा करेंगे कि वोट भी इसी तरह से पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।